डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है ए डी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, होप सो सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सभी लोग अपना खैरियत थोड़ा बताएं, आगे हम बढ़ेंगे। आज का सेशन जो हमारा होगा, अगेन डी एफ सी सी एल प्रैक्टिस पेपर सेशन, लेकिन ये आपका एस एस सी जेई हो गया या अदर अग्रिम एग्जाम जितने भी हैं, सभी के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। सभी लोग एक बार शेयर करते हुए चलें क्लास को, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। चलाऊँ क्या सेशन को आगे, बताओ? जब तक आप नहीं बोलोगे भाई मैं चलाऊँगा नहीं। चलो शुरू कर दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा देर न करें। क्वेश्चन नंबर वन है आपकी स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखें क्वेश्चन को और फिर जवाब करें। क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से जवाब करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जवाब करें विद्यार्थियों। चलो तो ये हो जाएगा, आप क्वेश्चन का पढ़ें पहले ध्यान से। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल इज नोन एज, क्या नाम इसको दिया जाता है? ये आपका हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, तो जवाब करते रहें। गुलफाम जी, हेलो जी, हेलो जी मुकेश, गुड इवनिंग जी। चलो बोल रहे हैं पैसेंजर कार यूनिट होगा, रेट ऑफ ग्रोथ फैक्टर, या आप बोलेंगे लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिएगा पैसेंजर का, ध्यान से क्वेश्चन को जवाब करें। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर नंबर बोला गया है आपके पास, ये जो है ना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल, इक्विवेलेंट नंबर है वो, क्या बोला जाता है इसको, यूनिट नहीं बोला गया आपसे, ठीक है? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों, यहां पर बोलो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या पैसेंजर कार यूनिट, रेट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर। देखिएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीटली सही आंसर होता है, ध्यान से सोच के जवाब करें जरा। देखिए जब पढ़ लेते हैं हम, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोड कैलकुलेशन एंड अर्बन एंड रूरल हाईवे, ये होता है एल डी एफ। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक अक्रॉस द रोडवे, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक कंपोजिशन, स्पीड एंड वॉल्यूम, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पैटर्न। तो ये ध्यान रखना भाई, ये सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज कर सकती हैं आपको, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आप कुछ ना कुछ समझोगे। खैर फिलहाल आप जवाब करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस 37, इंडियन रोड कांग्रेस IRC, क्लास का भाई शेयर जरूर करें एक बार, सभी लोगों का कर्तव्य है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सर क्या बोल दे रहे हैं, हम नहीं करते सर, है ऐसा है क्या? बताओ एज पर IRC 37 2018 फॉर द इनिशियल टू वे ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर इज 0 to 150, 0 से 150 भाई, 0 से लेकर 150। द व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर द प्लेन रूलिंग टीरेन। शायद आप लोगों में से कई लोगों को इसका जवाब पता नहीं होगा, आज सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे भाई और सब इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट, टेबल के बेस पर आपको ये याद करना होता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, 1.7 आपको याद रखना है, चाहे तो आप टेबल देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग। देखिए जब बात करते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पर, अब देखिएगा ट्रैफिक एक तो है रूलिंग प्लेन और एक है आपका हिली प्लेन, ठीक है ना, दो अलग अलग टेबल बताए। 0 से 150 के लिए है 1.7, ये है 0.6, इधर है 3.9, तो यहाँ पर आपका 0 से 150 में था और रूलिंग प्लेन था, हिली नहीं था, ठीक है ना, रूलिंग प्लेन बोला था ना कि हिली प्लेन बोला था, ये देखो ना आपको यहाँ पर बोला गया, ये देखो रूलिंग प्लेन था एक तो क्वेश्चन में और दूसरी बात क्या था, 0 से 150 था, तो 1.7 आपको याद रखना, यहीं पर अगर हिली पूछता था भाई 0.6 था, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो पता नहीं है कोई बात नहीं मैं बता दूंगा।
मैं बता दूंगा मैं क्यों आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको पता नहीं है उसका जवाब आपको करना है। चलिएगा जवाब करें विद्यार्थियों, नया क्वेश्चन है आपका द नॉमिनल साइज, फटाफट से जवाब करें, क्लास को शेयर वेयर करते रहें फटाफट से। पता नहीं है सर, पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, चलो जवाब करो सर। क्या हो गया आपको अचानक से, क्या हो गया सर आपको है? क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, जवाब भी करते रहें और क्लास को शेयर भी करते रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, ये हो जाएगा आपका जवाब, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका जवाब, वेरी गुड। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप बोल दोगे सर ये तो हो जाएगा क्या 25 mm, क्या तो ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। दिस इज द 25 mm, 25 mm ये आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर चलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द रेल अलाइनमेंट इज प्रिफेयर्ड इन केस ऑफ द स्टीप साइड स्लोप की बात हुई है डियर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द रेल अलाइनमेंट इज प्रिफेयर्ड इन केस ऑफ द स्टीप साइड स्लोप, स्टीप है यह है स्टीप साइड स्लोप, ठीक है। तो बताएगा जरा जवाब करें, स्टीप साइड स्लोप के लिए आपका कौन सा होता है यूज, जवाब करें विद्यार्थियों। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर में सर ये हो जाता है स्विच बैक मेथड, इसको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सब नए हैं पता नहीं होगा लेकिन मैं जरूर बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं स्टीप साइड स्लोप के लिए आपका हो जाएगा स्विच बैक मेथड, इसको बोला था। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। इन द स्टीप साइड स्लोप इज प्रेजेंट स्विच बैक मेथड ऑफ द रेल अलाइनमेंट इज यूज, इन दिस मेथड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन रूट इज रिवर्स बाय प्रोवाइडिंग द स्विच द ट्रेन हैज नेसेसरली स्टॉप एंड चेंज डायरेक्शन, ठीक है ना, स्टॉप कर देता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, स्विच बोला जाता है इसको स्विच नाम से। तो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आई एस कोड, ये आई एस है भाई ठीक है ना, एज पर आई एस कोड 73 2013, ठीक है ना, गाइडलाइंस द ग्रेडिंग ऑफ द बिटमिन सैंपल शुड बी डन बेस्ड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। बहुत सारे क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जितने जल्दी आप जवाब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट पांच में हो जाता है विस्कोसिटी वैल्यू, बोला गया है कि जहां पर आपको पता लग गया ग्रेडिंग ऑफ द विटमिन, तो ये विस्कोसिटी वैल्यू के बाद बेस पर बात किया जाता है, क्या बोलते हैं आप विस्कोसिटी वैल्यू, तो मतलब कि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स को पढ़ें जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अमोंग द मेजर लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन सही कर देना, लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। देखो इरीगेशन से आपका बहुत पुराना पुराना रिश्ता है, तो आप जवाब करें विद्यार्थियों स्प्रिंकलर इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन की जवाब आपको करना है, तो जवाब करिएगा जरा जल्दी से स्प्रिंकलर इरीगेशन, फटाफट से जवाब करें, क्या करोगे, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है इस शब्द को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका जवाब हो जाता है स्टूडेंट, केवल ए ऑप्शन को अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग विंड डिस्टर्ब द स्प्रिंकलर, ठीक है ना, इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इट मिनिमाइज द इरोजन ऑफ द सॉइल, देखिएगा ये भी सच है ये भी सच है, लेकिन नॉट शब्द उसने बोल दिया ना, मेजर लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर नहीं है भाई, ये तो है ना। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये हो जाएगा सी, ओनली मतलब कि ओनली ए, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन बाय यूज ऑफ दिस मेथड इरोजन ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज, जो इरोजन होता है डियर स्टूडेंट यहां पर इससे ये तो एक तो कंट्रोल हो जाएगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, दूसरा है लेबर कॉस्ट रिड्यूस्ड एज नो लैंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई लैंड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है डायरेक्टली पाइप लगा देते हैं आप, इट इज स्पेशली एडॉप्टेड टू मोर ह्यूमिड रीजन, एवेपोरेशन एंड परकुलेशन लॉस इज लेस,
ठीक है ना, ये भी आ जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये साथ ही साथ आप देखते रहो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा फिगर के माध्यम से इसको देखो, ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन का अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखो बिल्कुल आप बोल सकते हैं इसको आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल रेनफॉल आप बोल सकते हैं इसको लाइक दैट। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट दी पर, जवाब करें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट दी पर, ये ना, हाँ साउंड प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैंने जवाब कर दिया, अब चलिएगा सही कर दिया, सेवन का हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए बी और सी तीनों चीज़ें हैं, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द रीजन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन, एरिया, पॉपुलेशन, मतलब कि तीनों पर ही तो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपके जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इस स्टेटमेंट को देखें, फैक्टर इफेक्टिंग द पर कैपिटा डिमांड, ऑब्वियसली यार ये पर कैपिटा डिमांड आपके जो है साफ साफ शब्दों में दिख रहा है आपका, एक तो साइज ऑफ द सिटी, प्रेजेंस ऑफ द इंडस्ट्री, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी शहर में उतना ज़्यादा ज़्यादा लगेगी डिमांड, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठंडा है या गर्म, ठंडा होगा तो कम नहाएंगे, पानी कम लगेगा, गर्म होगा तो ज़्यादा नहाएंगे, हैबिट्स ऑफ द पीपुल, कैसा रहता है आदमी, ज़्यादा पानी तो नहीं घूमता है, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, अच्छा क्वालिटी का वाटर होगा तो वो तुम क्या करोगे बताओ। बोल रहा है इफ वाटर इज एस्थेटिकली मेडिकल सेफ द कंजम्पशन विल इंक्रीज ऑब्वियसली एज पीपल विल नॉट रिसोर्ट प्राइवेट वेल्स, ओके, ठीक है ना, अगर आपका अच्छा क्वालिटी का पानी दिया जाएगा तो क्यों आपके ट्यूब वेल खोदेगा, 70-80 हज़ार 1 लाख का खर्चा होता लगभग, ठीक है ना, क्यों करेगा वो ऐसा काम, नहीं करेगा ना। बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लो आप, अब तो नहीं हो रहा होगा बफरिंग, ठीक है ना। प्रेजेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंसी ऑफ वाटर, एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, लीक इन वाटर मेन्स एंड सर्विसेज एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वाटर कैन बी कैप्ट टू मिनिमाइज और मिनिमम बाय सर्वे। आठवां है आपका कॉस्ट ऑफ वाटर, सातवां है, नौवां है आपका पॉलिसी ऑफ मीटरिंग चार्जिंग, मीटरिंग चार्जिंग का मतलब है कि आप करेंगे, आठवां का मतलब है कि क्या, आठवें का मतलब क्या है कि अगर मीटरिंग चार्जिंग का मतलब है कि पैसा चार्ज बढ़ाओगे, मतलब चार्जिंग सिस्टम लगाओगे अगर जो आप सप्लाई दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन, मतलब ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 7 को समाप्त होते हुए। इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट टू बी फास्टेंड आर प्लेस्ड ऑन ओवर द अदर एंड रिवेटेड बाई वन और मोर रो ऑफ रिवेट। चलो जवाब पहले तो आप समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आए तो मैं फिगर से आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बार दिल से जरूर प्रयास करें समझने की, एक बार दिल से जरूर प्रयास करें, दिल की गहराइयों से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलेगा, जवाब भी करते रहें जी, जवाब भी करते रहें, ठीक है, रुकना नहीं है। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, एक्चुअली में इसको लेफ्ट ज्वाइंट बोल रहा है ये देखो,
ये क्या है, लेफ्ट ज्वाइंट है, लेफ्ट ज्वाइंट। टू मेंबर टू बी कनेक्टेड आर ओवरलैप एंड कनेक्टेड टूगेदर और प्लेट टू बी फास्टनड आर प्लेस वन ओवर दी अदर। ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप, दो प्लेट, एक प्लेट ये है जी टॉप प्लेट और ये है तुम्हारी बॉटम प्लेट, और इसमें आपने कनेक्ट किया हुआ इस तरह से रिबेट से, एक काटा हुआ सेक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे जो है ये क्यों नहीं किया सर, जब आपने लेफ्ट ज्वाइंट खत्म, ये समझ गए आप फिगर के माध्यम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बकलिंग। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट बोला है शब्द, नॉट कॉज ऑफ द बकलिंग, बकलिंग का कॉज नहीं है ये पूछा गया विद्यार्थियों, बकलिंग का कॉज नहीं है ये जरूर पढ़ना आपको, ठीक है ना। बताओ बकलिंग का कॉज जो नहीं है, बताओ जी बताओ बताओ जरा फटाफट से। क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा देखो, यहां पर अगर आप देखें तो यह है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल ट्रैक इन दी वेदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ बकलिंग। देखिएगा ये ट्रेन की बात कर रहा है भाई, रेलवे ट्रैक की बात कर रहा है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ट्रैक इन विंटर, देखिएगा ड्यू टू द वेल्डेड रेल ऑन द वीक ट्रैक, ये भी बकलिंग हो सकता है इसके कारण भी, क्योंकि आपका कमजोर हो चुका है। नॉट बोला है ना, नहीं हो सकता इसके कारण, हो सकता है पहले वाले में। इनसफिशियंट एक्सपेंशन गैप, इसके कारण भी हो सकता था। ड्यू टू एक्सेस टाइटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द फिश प्लेट्स, बहुत ज्यादा अगर आपने टाइट कर चुके हैं फिश बोर्ड को, इसके कारण भी आपका देखने को मिलता है। लेकिन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, रेल ट्रैक इन विंटर, तो इससे नहीं बनता है भाई, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कॉज ऑफ बकलिंग ऑफ रेल, बहुत सारे कॉजेज हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक जो है आपका डिस्टॉर्ड हो जाता है, उसी को बकलिंग रेल कहते हैं। इनएडिक्वेट रेजिस्टेंस टू ट्रैक ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द बैलास्ट, एक्सेसिव क्रीप, जैम्ड ज्वाइंट्स, संकीन पोर्शन इन द वेल्डेड ट्रैक, संकीन का मतलब कि श्रिंकेज होना, ड्यू टू द एक्सेस टाइटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द फिश प्लेट, ड्यू टू द वेल्डेड रेल ऑन द वीक प्लेट। ये समझ पा रहे हैं क्या, ये सारी चीजें आपके कॉजेज थे। खैर अब समझ गए होंगे बात को। यहाँ पर देखें आप तो ये डिरेलमेंट का आपको ये फिगर दिखाया, बकलिंग, ये देखो आप, एक यहाँ पर ये दिख रहा है, एक यहाँ पर ये दिख रहा है, एक यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, ये देखो आप, ये सारे आपके क्या है, इनसफिशियंट एक्सपेंशन गैप एट द रेल ज्वाइंट है, लेइंग है, डिस्ट्रेसिंग, मेंटेनिंग और रेजिंग द ट्रैक आउटसाइड द स्पेसिफाइड रेल टेम्परेचर रेंज स्पेशली इन हॉट वेदर, ये बहुत सारे कॉजेज हैं और दिखा भी दिया मैंने आपको क्या है बकलिंग का मतलब। समझे नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए सर, पूछ सके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द एच वन इज द हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस अबव द ओरिफिस, H2 is the height of the liquid surface above the orifice bottom, B is the width of orifice and CD is the coefficient of the discharge, what would be the expansion of the calculated, बताएगा जरा, expression to calculate the discharge denoted by Q, orifice meter है, orifice है भाई, orifice है, लेकिन जवाब करें एक बार एक आराम से, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये है भाई ये एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन और देख सकते हैं आप। फॉर द लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, एच वन क्या है, एच टू क्या है और एच क्या है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। मतलब कि ये तुम्हारे पास ऑरिफिस है डियर स्टूडेंट, तो ये लोअर पोर्शन जो है टॉप से ये एच टू है, ऊपर वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल ऑरिफिस का तो ये एच वन है, ठीक है ना, ये गोल गोलाई होता है एक भाई, और इसका मतलब आपने सेटअप है, तो यहां पर बी डी सब आपको पता लग गया, वो जो तुम्हारा पोर्शन उसका विड्थ होगी रेक्ट ऑरिफिस की, डेप्थ होगी डी, ठीक है। तो ये फाइनली आपका ये है भाई एक्सप्रेशन, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जवाब करें क्वेश्चन नंबर 11।
विच इज द रिजिड डैम, विच टाइप ऑफ रिजिड डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड आइदर विद स्टोन और ब्रिक मैसनरी और मास कॉन्क्रीट। शायद आपको पता हो इसके बारे में, एक तो बोला गया है विद स्टोन और ब्रिक मैसनरी और मास कॉन्क्रीटिंग, तो आपका ये कौन सा हो जाता है जी? सिंपल सा है भाई, एक तो इसने बोल दिया स्टोन ब्रिक मैसनरी मास कॉन्क्रीट साथ साथ बोल दिया, ये तो बहुत मजबूत होता है सर, इसको बोलते हैं सॉलिड ग्रेविटी डैम। सिंपल, इस इज द सॉलिड ग्रेविटी डैम, दिस इज द सॉलिड ग्रेविटी डैम। समझ गए आप, खुद के वेट के कारण इसमें काफी सारा क्या रहता है, ये देख पा रहे हैं आप ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। बहुत सारे हैं आपके, सतलज नदी पर है आपका, भागरा नागल हो गया, बहुत सारे डैम है तुम्हारे, ठीक है ना सर। इसमें ग्रेविटी डैम के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग फेसेज होते हैं, डाउन स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम होती है, ड्रेनेज गैलरी रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे हिल पोर्शन इसको बुलाता है और टॉय पोर्शन इसको बुलाता है, ठीक है, हिल टॉय। तो ये आपके पास ये हो गया डैम का एक फिगर। फ्रॉड नंबर फॉर द हाइड्रोलिक जंप इज 3.2 देन द टाइप ऑफ जंप। देखिएगा अलग अलग टाइप के जंप होते हैं, ऑक्सिलेटरी जंप, ठीक है ना, अभी बताऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग जंप वीक जंप। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 में जवाब करना है, द फ्रॉड नंबर फॉर द हाइड्रोलिक जंप इज 3.2 द टाइप ऑफ जंप इज। देखिएगा यहाँ पर गलती ना करें, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है। देखो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं अंडुलर जंप की बात करूँ, देखिएगा ध्यान से पढ़ेगा, ये क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं भाई, तो कम से कम आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद रह जाएगा। अंडुलर जंप तब कहेंगे जब फ्रॉड नंबर आपका 1 से लेकर 1.7 होगा। वीक जंप कब कहेंगे हमारे पास, जब हमारे पास जो फ्रॉड नंबर है 1.7 से 2.5 होगा। ऑक्सीलेटरी जंप, ऑक्सीलेटिंग जंप 2.5 से 4.9। नेक्स्ट है आपका स्टेडी जंप 4.5 से 9। अभी आपका जवाब क्वेश्चन क्या था, अभी आपका क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, अरे क्वेश्चन बताओ ना, आपसे बोला गया था क्वेश्चन था आपका क्या 3.2, तो 3.2 तुम्हारा इसी रेंज में आ रहा है क्या, है ना, अरे 3 पॉइंट इसी रेंज में आएगा ना कि नहीं आएगा, 3 पॉइंट इस रेंज में आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, 2.5 से 4 पॉइंट, तो ऑक्सीलेटिंग जंप हो जाएगा ये, ऑक्सीलेटिंग जंप ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, 12 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे सर, समझ गए हैं, ये हो जाएगा आपका 12 का ए ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब समझ लेना। स्ट्रॉन्ग जंप होगा जब 9 से ऊपर जब चले जाएगा बातें, ठीक है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीटर स्क्वायर में चाहिए आपको एरिया, मीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर ऑफ द चैनल इफ द हाइड्रोलिक रेडियस एंड वेटेड पैरामीटर इज गिवन बाय 300 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। बताओ, दो चीज़ें दे दी हैं, तीसरी चीज़ आपको निकाल रहा है, चलो बताओ। एरिया निकालना है यार, आपको पैरामीटर भी दे दिया, हाइड्रोलिक रेडियस भी दे दिया, अब क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में डियर स्टूडेंट क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, दो चीज़ें बोल दी उसने कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ चैनल का, जब उसने हाइड्रोलिक रेडियस दे दिया है आर को जनरेट करते हैं 300 और आपका पैरामीटर पी इज इक्वल टू हो जाता है 860। लेकिन आप ये हो गई बात, ठीक है, निकाल के बताओ। लेकिन एक चीज़ पता लग रहा है आपको कि आपको पता नहीं है कि कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है ये पता नहीं लग रहा। देखिए हाइड्रोलिक रेडियस की बात करूं मैं तो ये बराबर होता है आपका हाइड्रोलिक रेडियस दिस इज द एरिया ऑफ एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, ये होता है, इसको अपॉन कर देना यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक है। अगर हमें एरिया चाहिए, अगर मुझे एरिया चाहिए तो आप हाइड्रोलिक रेडियस इंटू पैरामीटर कर दो, अरे समझे बात को, तो 258 × 103 कर दिया सेंटीमीटर को, उसको चेंज कर दो, समझे बात को। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन था 25.8 हो रहा है, यही मैंने कहा था आपको भाई, आपको ए अपॉन पी बोला है, ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस, जब आपको ए निकालना है, ये पता है ये पता है, ये ना निकलेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द केस इज विद विच द वर्ल्ड वुड मे स्प्लिट। बताएगा लकड़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इज विद विच द वुड मे स्प्लिट, मतलब कि कौन सा मेथड है जिसमें कि इजिली स्प्लिट हो जाएगा आपका लकड़ी।
कौन सा मेजर है, मतलब मेजर मेथड इन मेजर, शियर स्ट्रेंथ में, प्लेबिलिटी में, स्टिफनेस में, टफनेस में। क्वेश्चन नंबर 14 में जवाब करें, सर ये है बी। क्लेवेबिलिटी इज द टर्म यूज टू डिनोट द फैसिलिटी विद विच वुड इज स्प्लिट। स्प्लिटिंग स्ट्रेस इज वन इन विच द फोर्सेज एक्टिंग नॉर्मली लाइक अ वेज, अ वुड लिटिल स्टिफनेस एंड स्ट्रॉन्ग कोहेजन, स्ट्रेंग कोहेजन अक्रॉस द ग्रेन इज डिफिकल्ट टू स्प्लिट। ओके, वाइल वन विद ग्रेट स्टिफनेस सच एज लॉन्ग लीफ फाइन इज इजिली स्प्लिट। ठीक है ना, चलेगा, खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द फेलिंग ऑफ रेन वाटर, फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेसेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज। बोलो जरा इसको क्या बोला जाता है, ब्लोटिंग बोलोगे, चप्स बोलोगे, क्रैक्स बोलोगे या लेमिनेशन बोलोगे? जवाब करें जी, क्या बोलोगे इसमें? ये क्या था जी, गुलकाम शेख जी ने कुछ भेजा है जो कि मेरे समझ में नहीं आया, क्या मतलब है जी इसका, कौन से लैंग्वेज में? पहले तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही मुझे तो। क्वेश्चन नंबर 15, चप्स बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अब मैं आपको अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ सभी चीजों को। एक होता है डिस्टेंट ब्लोटिंग, एक होता है चप, एक होता है लेमिनेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। द डिफेक्ट ऑब्जर्व एज स्पॉन्जी सोलन मास ओवर द सरफेस ऑफ ब्रंड ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक। इसको बोला जाता है ब्लोटिंग, चप्स। डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक इज नोन एज चप्स। और लेमिनेशन क्या है? दीज आर द कॉज बाय द इंटरप्ट एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले। लेमिनेशन प्रोड्यूस थिन लेमिना ऑन ब्रिक फेसेस विच वेदर्ड आउट ऑन द एक्सपोजर। सच ब्रिक आर वीक इन द, ये जो ब्रिक होंगी आपकी काफी कमजोर होंगी भाई, कहाँ गया भाई स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। क्या बोला जाता है इसको, कितना रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ये सब डेटा बेस क्वेश्चन आज पता होना चाहिए आपको। डायमीटर ऑफ पाइल ट्वाइस द डायमीटर ऑफ पाइल थ्री टाइम्स, बताएगा क्वेश्चन नंबर 16, थ्री टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल्स। ओके, थ्री टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल्स, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पाइल्स ऑफ पाइल ग्रुप इज इन क्ले शुड बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2.5 डी एंड स्पेसिंग ऑफ 3.5 डी मैक्सिमम पाइल। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं, डेटा याद रखना है। ओके, ये तुम्हारे थ्री पाइल्स के लिए है, थ्री पाइल्स, टू पाइल्स, फोर पाइल्स, फाइव पाइल्स, सिक्स पाइल, देख पा रहे हैं आप, सेवन पाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम इज टू बी कट फ्रॉम द सर्कुलर लॉग ऑफ द वुड ऑफ द डायमीटर डी द डेप्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर भाई 17 का जवाब करें, 17 का डी हो जाएगा ना ये। इस क्वेश्चन का जवाब करें, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? मिनिमम कंप्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रंट ब्रंट, अरे जवाब करो यार फटाफट से ना, फिर मैं आपको करवाता हूँ फटाफट से सेशन को। काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, जब आप जवाब करोगे तभी तो कर पाएंगे ना आगे, चलेगा फटाफट से सेशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कितना हो जाएगा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रंट ब्रंट क्ले पकी हुई सर नॉट बी लेस देन। क्वेश्चन नंबर 18 सर, 5 MPa, ठीक है ये देखो,
अलग अलग टाइप की ब्रिक होती है डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ब्रिक यूज इन द कंस्ट्रक्शन। एक होता है आपका ब्रंट क्ले ब्रिक, ये स्पेशल टाइप का अलग होता है। एक होता है आपका सैंड लाइम ब्रिक, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कलर में भी डिफरेंस रहता है। एक होता है आपका फायर ब्रिक, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक, और एक होता है आपका फ्लाई ऐश ब्रिक, हो गया आपका फ्लाई ऐश ब्रिक। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है एयर ब्रिक, ये हो जाता है होलो ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रंबल स्ट्रिप्स आर प्रिफर्ड ऑन मेन रोड एज दे इनकॉर्पोरेट चेंज इन पेमेंट टेक्सचर बाय आर्टिफिशियल कॉरुगुलेशन। फायर ब्रिक को एस्बेस्टस ब्रिक, नहीं 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 ठीक है ना, चलेगा बताएगा। रंबल ब्रिक्स, अभी रंबल स्ट्रिप्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द मेन रोड एज दे, अभी मैं आपको फिगर से बताऊंगा, बताओ जरा। प्रोड्यूस्ड नॉइस एंड फिजिकल सेंसेशन ऑन द स्टीयरिंग, ठीक है ना, ये होता है, चलेगा। नेक्स्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जानकारी से बाहर रहे होंगे। यहां पर देखो, ये देख रहे हो आप रोड में, तो ये है रंबल स्ट्रिप आर प्रिपेयर ऑन द मेन रोड, क्यों किया जाता है? नॉइस प्रोड्यूस नॉइस एंड फिजिकल सेंसेशन ऑन द स्टीयरिंग, ये देखो, ये दिखा भी होगा आपने, ये क्या करता है, ये करता है इस तरह से, ठीक है ना, चलेगा। खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल है वो, स्पेलिंग गलत लिखा है उसका, सही कर देना आप, ठीक है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम हो एक्चुअली में, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होगा एक्चुअली में, ये जो लिखा है क्वाड्रेंटल, सही कर देता मैं यहाँ पर, क्वाड्रेंटल, ठीक है ना, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पढ़ा भी होगा आपने, रिड्यूस बियरिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। होल सर्कल बियरिंग में दे रखा है आपको, होल सर्कल बियरिंग का मतलब आप समझते होंगे ऐसा, होल सर्कल बियरिंग 294 आपको दे रखा, मतलब ये कहीं यहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये दे रखा उसने 294 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, 294 डिग्री 30 मिनट, वेरी गुड। ये हो गया बम्पर जिसे बोलते हैं लोकली, हाँ बिल्कुल ठीक। अब करना क्या है, अब देखो जरा एक सेकेंड, हाँ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये वाला एंगल, कौन सा एंगल सर, हमको चाहिए ये वाला एंगल, ये इसमें आप 360 डिग्री का पूरा गोला होता है, 360 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 359 डिग्री, सभी लोगों का जो गलती होता है वो यहीं पर होता है, 359 डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक डिग्री में होता है 60 मिनट, ठीक है ना, एक डिग्री में होता है 60 मिनट, इसी बेस पर मैंने लिखा, क्योंकि मुझे घटाना है 294 माइनस डिग्री माइनस 30 मिनट, ये करना है, घटा दो भाई, 30 हो गया आपका यहाँ पर, 5 हो गया, 65 हो गया, तो 65 डिग्री 30 मिनट हो गया, लेकिन कहाँ से, नॉर्थ से, नॉर्थ है ये और ये वेस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा उत्तर से पश्चिम दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में, तो सी ऑप्शन सब लोगों ने नहीं आया भाई, क्यों भाई सब लोगों ने जवाब क्यों नहीं करते हो आप लोग, आप जवाब क्यों नहीं करते हो आप लोग, बताओ जवाब क्या करो, जब तक कि आप खुद उसे प्रैक्टिस नहीं करो, एक मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस सेशन में आता हो, मजाक में मत लो हर एक चीज़ को, तो आप अपने साथ कॉपी कम से कम एक पेज तो रखा करो, पेन रखा करो, तुरंत जो है आप उसको कर पाएं, क्योंकि हो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं बीच बीच में, कभी भी हो जाते हैं किसी भी सेशन में, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर अ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम, सिंगल रेनफोर्स्ड बीम, जवाब करें विद्यार्थियों, इफ द कॉन्क्रीट रीचेज मैक्सिमम अलाउंस अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील, कॉन्क्रीट रीचेज मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील, स्टील से पहले कॉन्क्रीट में पहुंच जा रहा है, तो बीम कौन सा हो गया,
हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ओवर रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है ना, क्योंकि कंक्रीट के साइड से फेलियर होगा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के साइड से फेलियर हो जाएगा, यस और नॉट? कंक्रीट में पहले पहुंच रहा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम के बाद वो फेलियर हो जाएगा, तो इसका मतलब कंक्रीट के साइड से फेलियर होगा, और कंक्रीट में फेल होने का मतलब ये ओवर रिइंफोर्समेंट बीम है। चलेगा, किसी का जवाब नहीं आया, बाद में आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ गया? शायद ये, अच्छा ये हो गया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर, चाहे तो स्पीकर की मदद से भी आप देख सकते हैं, ओवर इन्फोर्समेंट बीम में पहले आपका कंक्रीट में मैक्सिमम में पहुंच रहा है, ठीक है, ठीक है चलो। और स्टील में आपका कम पहुंचता है उस टाइम पे। इसको और डिटेल में जानने की आपको जरूरत है वैसे आरसीसी को, एक बार जरूर आप लेक्चर को देखेंगे, आरसीसी मैंने पढ़ा रखा है, एक्चुअली में सब समझा रखा है कि क्या कहानी किसमें होती है, कब पहले आएगा कब ज्यादा आएगा। फॉर द 30 मीटर चेन मेजर्ड वैल्यू ऑफ 450 मीटर शॉर्ट वैल्यू ऑफ 0.2 लिंक, कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द लाइन मेजर्ड। सवाल का जवाब जरूर करें, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वें का, 22वें का जवाब क्या होगा डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 22, 30 मीटर का चेन है, फॉर्मूला वही भी लगा सकते हैं आप, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, इस आपने सुना होगा। मेजर वैल्यू जो है 450 मीटर का है, इससे जो आपने मेजर किया 450 का, जबकि वो शॉर्ट हुआ है 0.2 लिंक से, 0.2 लिंक शॉर्ट द वैल्यू 0.2 लिंक, कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द लाइन। चलेगा, जवाब करें विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ लग रहा है मुझे, खैर एक बार कोशिश करें आप। चलेगा, मैं आपको आता हूं यहां पर। देखो लिंक का मतलब क्या होता है, एक लिंक जो बराबर होता है, डियर स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक बार मैं आपको क्वेश्चन को फिर से पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पर पहले आपने जो अभी तक क्वेश्चन किए होंगे जीवन में, उसमें क्या होता था, उसमें रहता था कि आपका स्टैंडर्ड लेंथ तो ये है, एक्चुअल लेंथ जो डेजिग्नेटेड लेंथ है मार्केट से, जो आपके नॉमिनेटेड लेंथ, लेकिन जो आपका मार्केट में आया तो हो सकता है कुछ एलोंगेट हुआ होगा, खींच गया होगा, तो जिस वजह से वो खींचा हुआ होगा, या हो सकता है कि उसके जो रिंग्स हैं वो जुड़े हुए हों, या हो सकता है कि टेम्परेचर घटा, कुछ भी कॉज होता है, तो हमारा शॉर्ट हो चुकी है लेंथ। तो शॉर्ट होने का मतलब वो डायरेक्ट लेंथ नहीं बोल रहा है चेन की, वो लिंक से बोल रहा है कि 0.2 से ये हो गया। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, देखो एक लिंक जो बराबर होता है डियर स्टूडेंट चेन में, ये बराबर होता है 20 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब एक लिंक आपका हो गया ये 0.2, लिंक कितने का हो जाएगा 0.2, दैट मींस 0.04 मीटर का शॉर्टेज है चेन में, 0.04 मीटर में कर दिया आपने, क्योंकि 30 मीटर का था पहले, इसमें शॉर्ट हो चुका है, इसमें से घटा दो आप, ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग वाली लेंथ चेन की, जो रॉन्ग वाली अब लेंथ है, उससे जो आप मेजर करोगे तो वो कितना था, रॉन्ग वाली से 450, ये भी दिया था, और जो आपकी डेजिग्नेटेड है एक्चुअल वाली राइट वाली 30 थी, और आपको चाहिए भी राइट वाली कितनी होगी, अगर राइट से करते तो कितना राइट होता मेजर, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आ जाता है, रॉन्ग इंटू राइट, रॉन्ग इंटू इज इक्वल टू राइट इंटू राइट, फॉर्मूला पता है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है, आप सभी लोगों ने जवाब कर दिया, मतलब कि आपके पास हो जाता है विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान रखा करो इन क्वेश्चनों को। कैलकुलेट द डिस्चार्ज फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल, सी आपको दे रखा है, एस दे रखा है, बी दे रखा है, वाई दे रखा है, कुछ नहीं कहा है, देखते हैं कितने लोग यहां पर दिमाग लगा पाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी मेरा आज का क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको पहले ही चीटिंग करा दे रहा हूँ ना, इसलिए तुम बता दे रहे हो आंसर, वो अचानक से हो जा रहा है। चलो ये भी मेरी क्लास का आज का इंपॉर्टेंट होगा, इस सेशन का, बताओ इसमें कैसे करोगे। शेयर जरूर करें क्लास को। सी दे दिया उसने आपके पास 23 वाले क्वेश्चन में, सी हो गया 50, एस हो जाएगा 1/900, बी हो जाएगा 2, वाई हो जाएगा 4, बताओ क्या जवाब करेंगे? नहीं बताओगे, देखिए यहां पर आपने कभी चेजिस फॉर्मूला देखा है क्या? चेजिस फॉर्मूला देखिएगा, एरिया में तो कोई टेंशन नहीं है, एरिया आपका ए इंटू बी इंटू वाई होता है, विड्थ इंटू डेप्थ, ये तो हो गया एरिया, एरिया तो हो गया, क्योंकि डिस्चार्ज आपको निकालना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो एरिया इंटू वेलोसिटी करना होगा। अब एरिया के लिए भी आपको हिंट दे रखा उसने, देखो बी इंटू वाई आ गया एरिया, 4 × 2 = 8, 8 हो गया। अब कहानियां अटकती कि वी देखना है आपको, तो वी के लिए आपके पास दो आपने ऑप्शन, दो फॉर्मूले रटे हुए हैं जीवन में, एक तो मैनिंग फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, 1/n r की पावर 2/3 s टू पावर 1/2,
और एक फॉर्मूला चेजिस फॉर्मूला भी सुना होगा, सी अंडर रूट ऑफ आर एस। इस तरह से हार्ड इनको करो, ऑन द टिप्स याद रखो, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखें, इसको मैं बता दिया समरी आपको, तो यही मैंने किया डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाया ए सी, ए सी एरिया कर दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, सी अंडर रूट ऑफ स्लोप जो होता है आपका एम आई, ये फॉर्मूला है, बस रख दिया भाई, ठीक है ना। आर एस, एम का मतलब वो आर है, चलो जवाब करो फटाफट से, एम आई तो फटाफट रख दिया यहां से, एरिया आपने 4 × 2 कर दिया, 50, सी का वैल्यू दिया था, एम जो है आपको 1/900, ठीक है ना, ठीक है ना। एम का मतलब यहां पर स्लोप से होता है भाई, ठीक है ना, एम का मतलब क्या होता है, स्लोप से होता है। एम का मतलब डियर स्टूडेंट आपने यही तो पढ़ा है, वी का वैल्यू आर एस, आर का मतलब तो चलो ए बाई पी होता है, ए बाई पी होता है, तो एरिया भी और पेरीमीटर भी, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये आपने रख दिया, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल दो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहां से मेरे पास ऑप्शन 13.33 आ रहा था। चलो मैं ज्यादा समय नहीं लगा रहा इसमें, ये तो चीटिंग पहले ही हो गई, इसका आंसर ही पहले हो गया। लेसिंग बार इन अ स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट, लेसिंग बार इन अ स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट, बताओ जवाब करें। लेसिंग बार इन अ स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट, लेसिंग बार क्या करता है, शियर फोर्स करता है, बेंडिंग मोमेंट करता है, क्या करता है। ये लेसिंग प्लेट आप देख पा रहे हैं क्या फिगर में, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जवाब होना चाहिए, शियर फोर्स ड्यू टू 22.5% ऑफ द कॉलम लोड, ये पहले ही आपको बता दिया। देखिए ना लेसिंग प्लेट आपकी दिख रही है अलग अलग, देखो ये वाली प्लेट जो है, ठीक है ना। चलिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आगे हम पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का भी पहले ही आंसर दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एस्बेस्टस, ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया, इट इज एक्सेलेंट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इनकरेक्ट बोल रहा है जो गलत है, ये तो सच बात है। इट इज पोरस, नॉट पोरस, इट इज नॉट अ पोरस। नेक्स्ट है आपका, इट इज एक्सेलेंट इंसुलेटर फॉर हीट, एग्जैक्टली दिस इज द राइट, एंड इट इज द फायर प्रूफ, एग्जैक्टली दिस इज द राइट ऑल्सो। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, कैंटिलीवर बीम है जिसमें कि एल स्पैन है, सब्जेक्टेड टू द डाउनवर्ड लोड ऑफ द 800 kN, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड लोड पी एट द फ्री एंड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन का केस को पढ़ो पहले, ये बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है जिसमें कि यूडियल है, इसका डिफ्लेक्शन जो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वाला डिफ्लेक्शन डेल वन, ये जाता है एक्चुअली में डब्ल्यू एल टू पावर 4/8EI, बट ये जब छोटा डब्ल्यू लिखते हैं आप, बड़ा डब्ल्यू और छोटे डब्ल्यू में क्या फर्क है, ये होता है छोटा डब्ल्यू इंटू एल, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू एल की पावर 3/8EI, लिख सकते हो क्या इसी को। यहां पर बोल रहा है कि आपके फ्री एंड में एक पॉइंट लोड लग जाए पी नाम से, तो इसके पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऊपर जाएगा ये, ऐसे जाएगा ये, डेल टू आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 3i, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए जीरो, इसके मतलब दोनों डिफ्लेक्शन जीरो बराबर होने चाहिए, दोनों डिफ्लेक्शन बराबर होंगे तो आगे की कहानी यहां पर देखो, यहां पर देखो तो आगे की कहानी, दोनों की कहानी आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिएगा यहां पर आपने कर दिया इसको कैलकुलेट बढ़िया से, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि जो आपका ये पी आता है, शायद आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होना चाहिए, मतलब कि स्टैंडर्डली मैंने कई बार आपको बता भी रखा है ये, तो यहां पर ये पी जो आ जाता है 3/8 ऑफ डब्ल्यू एल आ जाएगा यहां पर देखो आप, ठीक है, कोई जरूरत नहीं था वैसे आपको छोटे डब्ल्यू में करने की, बड़े डब्ल्यू में, छोटे डब्ल्यू में रख दिया आपने, तो बताओ आप ठीक है, क्लियर है, 300 kN आ जाएगा, तो मतलब कि ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बताओ जरा, होलो शाफ्ट हैज आउटसाइड डायमीटर 140, बताओ, होलो शाफ्ट हैज आउटसाइड डायमीटर 140 mm एंड थिकनेस 30 mm, फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जे, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जे, बताओ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, जे की बात कर रहे हैं, बताओ जरा है? नहीं बताओगे, होलो शाफ्ट है मतलब कि आपके पास इस तरह से शाफ्ट, एक का डायमीटर बाहर वाले का बड़ा मान लो डी, छोटे वाले का डी मान लो स्मॉल वाला, तो इतना तो आपको पता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जे का जो वॉल्यू होता है सर सॉलिड वाले के लिए पाई बाय 32 डी की पावर 4 होता है, लेकिन अगर हम सर्कुलर होलो के लिए बात करें तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 भी कर सकते हैं, है ना।
चलिए खैर, एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर सिविल के बारे में कुछ बताइए। ये देखो, एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर सिविल, यार डियर एक्चुअली में मुझे रियल में पता नहीं है इसका सिलेबस। टेक्निकल कितने नंबर का है आपको पता है क्या? मैंने इसका सिलेबस नहीं पढ़ा, देखा है अभी, ठीक है ना। एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए इसमें सिविल का पोस्ट भी आया क्या कुछ इस तरह से? रियल मुझे पता नहीं है, मैं धोखे में नहीं रखना चाहता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, आपके पास ये टोटल डी दिया था ऐसा, ये थिकनेस हो गया यहाँ से, ये थिकनेस मतलब कि ये टी हो गया और ये टी हो गया। इनडायरेक्टली अगर आपको स्मॉल डी चाहिए, ये वाला डायमीटर चाहिए, मतलब कि इतना डायमीटर चाहिए आपको ये वाला, तो आप क्या करोगे, डी में से, कैपिटल डी में से 2 टाइम्स ऑफ टी करोगे। यही उसने भी किया है, यही उसने भी किया है। और क्योंकि बड़ा डी आपका 120 का उसने दिया था ना, नहीं 140 का, 140 में से अगर आप करोगे 2 टाइम्स ऑफ टी मतलब कि 60, तो आपका 80 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू 80 हो गया और ये आपको 140 उन्हें दे रखा है। बस आपके अगर आंसर पाई बाय 32, डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, छोटा वाला बड़ा वाला, समझ गए होंगे सर। 100 नंबर 50 क्वेश्चन। अच्छा टोटली टेक्निकल है क्या? टोटली टेक्निकल है भाई ये तो, इससे और टेक्निकल तो नहीं होगा खैर, जहां तक मेरा अनुमान है। 100 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन टेक्निकल क्या है क्या? टोटली स्ट्रेन एनर्जी इज द क्वेश्चन नंबर 28। स्ट्रेन एनर्जी आप क्या समझते हैं, चलिएगा बताओ। स्ट्रेन एनर्जी इज द, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट से। किसी भी मेंबर में जब आप लोड लगाते हैं तो वो एक एनर्जी को, इंटरनली एक एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल ले लें आप, स्प्रिंग को दबाओ, एक एनर्जी को स्टोर करेगा, उसी एनर्जी को आप दूसरी जगह कहीं पर यूज कर सकते हैं लिफ्टिंग के लिए। तो ये क्या है, लेकिन ध्यान रखना ये हो जाता है रिकवरेबल एनर्जी, इसको बुलाता है, मतलब कि अगर आप उस लोड को हटा दें तो फिर से रिकवर कर सकता है बॉडी अपने शेप को, जिसको बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो हुआ है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी है अभी तक बॉडी में, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लिखा है सारी कहानी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, इसको बाद में स्क्रीन शॉट ले लेना। बताओ हुप स्ट्रेस के बारे में शायद जानते हो, 120 नंबर नॉन टेक, अच्छा ठीक है, 120 का नॉन टेक है, 100 टेक्निकल है, अच्छा खतरनाक, वेरी गुड। हाँ नॉन टेक में क्या क्या है जी? गुलफाम शेख जी भर दो भाई फॉर्म फॉर्म भरा करो इधर उधर से सभी लोग ना। 120 में क्या क्या है नॉन टेक में? 100 तो चलो टेक्निकल परफेक्ट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग होगा, 120 में क्या क्या है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी नोन एज हुप स्ट्रेस, दिस इज द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, दिस इज द ऑल्सो नोन एज हुप स्ट्रेस। देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंस परिधि के अलोंग ये होगा आपका हुप स्ट्रेस, खत्म। दो फॉर्मूला अलग अलग लगते हैं, वो आपको मैंने लिखा रखे थे इसमें, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इसको बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं जी, इस क्वेश्चन को पढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द डिग्री ऑफ द कर्व, जानते हो क्या इसके बारे में, डिग्री ऑफ द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इफ द डिग्री ऑफ द कर्व इज 8 डिग्री, 8 डिग्री का है, बताओ। रीजनिंग 50, न्यूमेरिकल 30, न्यूमेरिकल अच्छा मैथ्स मतलब 35। ऑब्वियसली यार बैंक का है वो, तो चलो बढ़िया है, इतना चीज़ें तो होनी है। इंग्लिश 35 है, अंग्रेजी भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स मैथ्स भी चाहिए 35 का, और रीजनिंग तो बढ़िया चाहिए। तो जो एसएससी जेई के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए तो मैथ्स तो अलग पढ़ना, एसएससी जेई के लिए जो प्रैक्टिस करता है तो उनका रीजनिंग तो अच्छा होता ही है। अब एडिशनल लगाना पड़ेगा आपको मैथ न्यूमेरिकल में टाइम और मैथ्स में मतलब और इंग्लिश में, तो बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में, जवाब करें जी। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपका 143। किसी ने कैलकुलेट किया क्या? यह नहीं होगा किसी ने। देखो देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्व जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाता है 1146 अपॉन डी, डिग्री आपको दे रखा था उसने 8 डिग्री, रख दो इसको, आर इज इक्वल टू 143.25, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर सेटिंग द टेंजेंट विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज, सेटिंग द टेंजेंट, फॉर सेटिंग द टेंजेंट विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज, विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज, बताओ जरा कौन होगा? फॉर सेटिंग द टेंजेंट विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज, बताओ जरा फटाफट से बताएं, जवाब जरूर करें। टैकोमेट्रिक मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रैंकाइंस मेथड या टू थियोडोलाइट मेथड? 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में जानकारी है इसके बारे में आपको? सर हमने तो पहली बार ही क्वेश्चन देखा है जीवन में, सर हमने तो पहली बार ही देखा है। फॉर सेटिंग द टेंजेंट विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रायल एंड एरर मेथड, दिस इज द ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके, ये है बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31 में बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिज एंड टनल आर बिल्ट विद रिस्पेक्ट टू, ब्रिज एंड टनल आर बिल्ट विद रिस्पेक्ट टू, बताइएगा फटाफट से जवाब करें, जनता आपसे जवाब मांगती है, जवाब करते रहें। कैप गेज, नैरो गेज, लोडिंग गेज, कंस्ट्रक्शन गेज, बताइएगा जी, जवाब करें। कैप गेज, नैरो गेज, क्या बोला जाता है ये? तुम्हारे पास थोड़ा सा ब्रिज और टनल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 32, ये हो जाता है डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन गेज, क्या बोला जाता है इसको? कंस्ट्रक्शन गेज, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिखा है आपको, आप पढ़ सकते हैं बाद में। अभी मुझे थियोडोलाइट से क्वेश्चन देखना है, टैकोमेट्री, यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन को। डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड एयर मेथड एज्यूमिंग द लाइन ऑफ साइट एज हॉरिजॉन्टल एंड कंसिडरिंग एन एक्सटर्नल फोकसिंग फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू के एस, जिन लोगों ने पढ़ा होगा शायद याद आ रहा होगा कुछ, के एस प्लस सी, ओके। सी इज द, सी क्या है एक्चुअली में, सी को निकालने का तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, सी को निकालने का तरीका क्या है बताओ? वेयर सी इज द, चलेगा आगे, यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। कॉन्स्टेंट जो सी होता है, देखिएगा यहां पर कॉन्स्टेंट, द कॉन्स्टेंट के, हाँ, एफ अपॉन आई इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ टैकोमीटर एंड जनरली कैप्ट एज 100। ध्यान रखिएगा हर एक चीज पूछी जा सकती है कुछ भी एग्जाम में, अगर आपसे के पूछता तो के आपका एफ अपॉन आई होता है जो कि मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इसको बुलाया जाता है, जिसकी वैल्यू हम 100 लेके चलते हैं। बट कॉन्स्टेंट जो सी होता है ये होता है हमारा एफ प्लस सी, छोटा वाला, इसको बुलाता है एडिटिव कॉन्स्टेंट हुज रेंज फ्रॉम 30 to 40 to 50 एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप एंड 10 to 20 इंटरनल फोकसिंग टाइप। दो तरह के टेलीस्कोप हैं, एक इंटरनल फोकसिंग टाइप, इसके रेंज लिया जाता है 30 से 50 सेंटीमीटर, किसके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं इसका वैल्यू सी का, कॉन्स्टेंट का, और आपका 10 से 20 सेंटीमीटर के इंटरनल फोकसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जवाब करें। आरबीआई जूनियर इंजीनियर सीनियर का पेपर कुछ दिन पहले हुआ था, उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किसी ने दिया था भाई, बता दो। व्हाट विल बी द वेरिएशन इन द बीएमडी फॉर द डायग्राम अज्यूमिंग एल है, वो लेंथ है ये, मतलब कि स्पैन जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर का है ये, बताओ जरा, जवाब करो, कुछ इस तरह का है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है, स्पैन है 2 मीटर का, बताओ जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करोगे आप, क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? यार क्या बताओ मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर एक मोमेंट आ रहा है एम ए, मान लो एक रिएक्शन भी आएगा आर ए, हमारे पास अगर मैं समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो एक मोमेंट आएगा आपका ए पर, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, एक पॉजिटिव आएगा, सॉरी एक नेगेटिव आएगा क्योंकि वो हॉगिंग मोमेंट क्रिएट कराएगा, तो 10 × 2, इसके अलावा तो कोई मोमेंट नहीं है। बोलेंगे सर एक वर्टिकल रिएक्शन भी तो है, बट अबाउट ए ले रहे हैं तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो एम ए इज इक्वल टू 20 आ जाता है, ठीक है ना। खैर ये जो है आपके इस तरह से, यहाँ पर तो 0, अगर आप एक सेक्शन भी यहाँ पर मान के चलें, सेक्शन ये दूरी पर एक्स मान लो,
तो मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको हटा दो, ये तो मोमेंट ए पर आ गया आपको, ये नहीं पूछा गया था आपसे, बोला गया था शेप, शेप बोला गया था। तो शेप के लिए आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक सेक्शन काट लूँ, सेक्शन काट लिया आपने तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगा मोमेंट इक्वेशन एम एक्स दिस इज इक्वल टू फोर्स 10 इंटू एक्स। अब इसको आप कहीं तक भी लगा सकते हैं, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कहीं भी लगा सकते हैं, ये बी है ना, बी से ए तक। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो मोमेंट एट ए सॉरी मोमेंट एट बी दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू पूरा 2 मीटर तक खींच लो तो मोमेंट को आएगा आपका ए पर जो कि आएगा 10 गुणा 2 दैट मीन्स 20। तो मतलब कि यहाँ पर आप देखें अगर फिगर को, तो फिगर कैसे जाएगा, फिगर को देखो, अब इधर देखो, अब तो फिगर ऐसे जाएगा, ये देखो आप फिगर जाएगा कुछ इस तरह से लाइक दैट, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ पर जीरो था क्योंकि आपके पास इक्वेशन ही ऐसी थी कुछ एम एक्स था, तो एक्स की पावर 1 है क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमारा ये लीनियर बिहेवियर बना। तो ये तो आपका आपके पास ऑप्शन हो गया था ट्राइंगुलर, ठीक है। कुछ था क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ट्राइंगुलर बन गया, समझे, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो, चलेगा आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमीटर द हॉरिजॉन्टल डायमंड सॉरी डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जवाब करो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या, तो 37 35 था ना वो, 37 में क्या था, बी इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट होगा आपका। यहाँ पे देखें आप, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ये तुम्हारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट इकोनॉमिक जब आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब करें डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये, इफ द सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट हैव सेम मटेरियल वेट एंड लेंथ देन, रिलेशन आपको दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 38 होगा क्या, सॉलिड शाफ्ट विल हायर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस देन होलो शाफ्ट, ठीक है ना, सॉलिड शाफ्ट में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी होलो शाफ्ट से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाता है सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीट। तो आज के सेशन आपको कुछ फ़ायदा किया होगा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन नए थे सर, ठीक है ना, कुछ पुराने भी थे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्मा, मिलते हैं आपको नए सेशन में, ठीक है, रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेशन में जो कि हमारा 10 बजे होगा एक सेशन आर एस एम एस एस बी के लिए मेरे साथ, और उसके बाद 5 बजे आपका जय